अगर एक दफा वॉर में दो कंट्रीज यू नो पिच इन देन विल मूव बाय इट्स पेस एंड एट यू डोंट नो व्हेन दैट पेस वुड कम टू अ पॉइंट व्हेन न्यूक्लियर वॉर वुड बी डिक्लेयर्ड सो देन अगेन फ्रॉम द स्टार्ट ओनली यू आर नॉट यू थिंकिंग नो 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 वी आर नॉट गोइंग टू वॉर अगेन बेस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल सी आपकी कारगिल वाली वॉर जो थी इतनी लार्ज इंफेंट्री थी बट वो नहीं उस लेवल तक पहुंची इवन दो यू न्यू आई मीन अगर हम जाते होप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर वो वॉर हम जाते तो फिर आगे बढ़ते और न्यूक्लियर वेपन दोनों केपेबल थे इट कुड कम इनटू दैट लेवल बट देयर वाज म्यूचुअली अश्योर्ड लेटर जिसकी वजह से होप था सिर्फ वॉर स्ट्रॉन्ग हो गए एंड डिडंट कवर द होल यू नो और डैमेज किया बोथ लाइफ यू नो वर्क राइट अनदर एग्जाम्पल कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर का टाइम है जबकि रशिया एंड अमेरिका दोनों न्यूक्लियर के पेपर थे और ऐसी सिचुएशन आई थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वी नो अबाउट दैट यू नो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर क्या था कि क्यूबा में रशिया ने अपने मिसाइल सेट कर दिए थे एंड क्यूबा इज वेरी क्लोज टू यूएसए यूएसए दे वर सेट डायरेक्टली पॉइंटिंग टू यूएसए एंड टर्की में किसके थे यूएसए यूएसए पॉइंटिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स रशिया So that point was so close, it could have easily gone into a nuclear war. But did it? No. Again, because it's a hope, it's an elusive imagination ke achha, it creates war, but no. It gives you an illusion ke it gives war, it will bring war, but it actually stops war. War is actually stopped when you have nuclear power. So, you know, just giving you the briefing, jo aapko stance sahi lage, just take that. But just for the sake of discussion.